सरकारी स्कूलों विच ड्यूटी दे समय अध्यापक नहीं कर सकणगे फोन दा इस्तेमाल, पर इस स्कूल दे अंदर दियां तस्वीरां कुछ होर ही रहियां ने दिखा। की कहा इन्हां हदायतां नूं लै के स्कूल दे प्रिंसीपल अते अध्यापकां ने, तुसी भी सुणो। पंजाब सरकार दे वल्लों हदायतां जारी कीतियां गईयां ने कि हुण सरकारी स्कूलों दे विच ड्यूटी दे वेले अध्यापक मोबाइल फोनां दा इस्तेमाल नहीं कर सकणगे, पर इन्हां हदायतां नूं सरकारी स्कूलों दे अध्यापक अते प्रिंसीपल किस तरह देख रहे ने, इस नूं जानण लई बटाला शहर दे सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल विखे पत्रकार पहुंचे, जिथे कुछ अध्यापक अते विद्यार्थी क्लासां विच ही फोन दा इस्तेमाल करदे नजर आए। स्कूल दे कुछ अध्यापकां नाल जदों इन्हां हदायतां नूं लै के गल्लबात कीती तां अध्यापकां दा कहना सी कि हदायतां तां ठीक हन, पर कई ऑनलाइन कंसैप्ट हुंदे हन जो केवल मोबाइल दे जरिए ही हो सकते हैं, वह काम किवें मोबाइल तो बिना हो पाउणगे, इस बारे भी कोई हल सरकार नूं जां विभाग नूं कढ़ना चाहीदा है। पढ़ाई नूं लैके जो भी सरकार वल्लों हदायतां आई हैं असीं पूरा उन्हां नूं लागू करन दी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह स्टडी नाल रिलेटिड है, चाहे वह डिसिपलिन नाल रिलेटिड है, चाहे वह कोरोना-19 नाल रिलेटिड है, असीं सारियां हदायतां दे अकॉर्डिंग चलन की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, असी फोन जिहड़े आ प्रिंसिपल सर नूं जमा करवा चुके हैं, पर कई बार क्लास के कुछ स्टडी परपस लई असी जिवें पंजाब एजुकेयर ऐप है जां कई बार प्रोजैक्टर के थ्रू कई काम करवाना पैंदा, जिवें स्कूल च वाईफाई नहीं है, उहदे परपस लई असी कई बार सर कोल परमिशन लैके फोन के थ्रू काम करवाने हैं बच्चों। पिछले साल तो सरकार वल्लों बच्चों फोन प्रोवाइड कराए गए सी प्लस टू नूं, इसलिए वो अलाउड सी, बच्चे भी लैके आंदा सी ते टीचर्स भी वो थ्रू बच्चों काम करवाते सी, पर इस बारी हजे फोन अलाउड नहीं है तो असी सिर्फ टीचर्स ही यूज़ करते हैं, और कई बार जो नहीं लोड़ पैंदी फिर असी बुक्स के थ्रू काम करवाने हैं। हाँ जी बिल्कुल, रियायत देनी चाहिए क्योंकि जब तक मतलब कि मुलाजम 24 घंटे लिए जोड़ा वो सरकारी काम कर रहा है, किसी भी वेले कोई भी ड्यूटी भी आ सकती, हूँ एग्जाम चल रहा, मेरी अज सवेरे ही उन्होंने कहा कि ताड़ी मुलांकन ड्यूटी हैगी है तो तुहानू दोबारा 10 बजे कॉल करांगे, मे बी उन्होंने कॉल किया भी हो दोबारा, पर फोन साढ़े कोल नहीं है, ये रिगार्डिंग हूँ मैनू कोई इनफॉर्मेशन नहीं है, तो कुछ परपस लिए फोन चाहिए भी ने टीचर्स कोल। उत्थे ही स्कूल दे प्रिंसीपल ने कहा कि हदायतों मुताबक पूरे स्टाफ दे मोबाइल फोन दफ्तर विच जमा करवा रखे हन। उन्हां कहा कि अगे जो भी सिक्ख्या नूं लैके सरकार वल्लों हदायतां जारी होणगियां उन्हां नूं भी इन बिन लागू कीता जाएगा। सरकार वल्लों इह हुकम प्राप्त होए ने कि कोई भी अध्यापक पढ़ाउण दे ड्यूरेशन मोबाइल फोन दी वरतों नहीं करेगा, जिस तरह के आदेश प्राप्त होए ने सारे अध्यापकों नूं इस बारे पता है, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਸਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 99% ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ ਨੇ, ਮੇ ਬੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ 100 ਚੋਂ 99% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਫਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਸਰਨ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ,
जिथों तुहानू मिलणगे शहर विच सब तो सस्ते रेट ते सूट लहंगे साड़ियां ते प्लाजो। आशू दी हट्टी दा एक ही वादा, तुहानू मिलणगे वधिया क्वालिटी दे कपड़े पर रेट नहीं होवेगा ज्यादा। एक बार विजिट जरूर करो आशू दी हट्टी, ओपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा।